मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन प्रभारी अधिकारी जनपद मुरादाबाद द्वारा सर्किट हाउस मुरादाबाद में नगर निगम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण नमामि गंगे जल निगम विद्युत विभाग एवं डूडा द्वारा अपने विभाग से संबंधित प्रमुख पर विभागीय योजनाएं समस्याएं एवं शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कराए जा रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। प्रारंभ में नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया गया। नगर निगम को ग्रीन आर्किटेक्चर एवं कार्बन उत्सर्जन को दृष्टिगत रखते हुए परियोजनाएं एवं प्लान बनाने हेतु कहा गया। कान्हा गौशाला के संबंध में निर्देश दिए गए कि शमशान में लकड़ी की जगह गोबर का यूज किया जाए और नगर निगम जनपद की बाकी गौशालाओं की जिम्मेदारी भी ग्रहण करे। सुझाव दिया गया कि गोबर का इस्तेमाल पेंच में भी किया जा सकता है और इस पेंच को सरकारी भवन पर यूज किया जाए। अवशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नगर निगम अपने रोड को दोनों किनारों तक पूरा निर्माण करे, रोड के बराबर में कच्ची जगह ना छोड़ी जाए, इससे प्रदूषण में अपेक्षित कमी आती है। नमामि गंगे को निर्देश दिए कि पूरे शहर के सीवरेज को एसटीपी से कवर करें एवं सीडीओ इसको मॉनिटर करें। जनपद में वाटर सप्लाई पीने योग्य होनी चाहिए। डूडा को मलिन बस्तियों के संबंध में कहा गया कि मलिन बस्तियों का भी प्लान बनाया जाए, जिससे कि प्रत्येक मलिन बस्ती को पीने योग्य पानी एवं सीवर से कवर किया जा सके। विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि हाई राइज जोन बनाया जाए, जिससे कि डेंसिटी को कम किया जा सके। अर्बन फॉरेस्ट कंसेप्ट को अपने प्लान में शामिल करें। ग्रीन हाइड्रोजन का कैसे प्रोडक्शन हो, इसको भी प्लान में शामिल किया जाए। हॉकर्स और वेंडर्स जोन बनाए जाए। हर मोहल्ले में लैंड यूज को दुरुस्त किया जाए। मानचित्र संबंधी कार्य को ऑनलाइन कराया जाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सीडीओ आनंद वर्धन को निर्देश दिए गए कि शासन स्तर पर इस संबंध में बहुत ज्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग करें। शासन को अपने स्तर से लिखा जाए कि निर्माण करने वाली एजेंसी ही अगले 10 वर्ष तक पेयजल परियोजनाओं की देखरेख करे। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उनके अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पावर लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इसका प्लान बनाया जाए। जर्जर लाइनों के संबंध में आ रही शिकायतों का निस्तारण किया जाए। इंटेलिजेंस सिस्टम बनाकर टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली चोरी और भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सकती है। नगर आयुक्त द्वारा स्मार्ट सिटी का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। निर्देश दिए गए कि ई पाठशाला का गरीबों एवं अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, ग्रीन प्लांटेशन, इसकी प्रॉपर तरीके से जियो टैगिंग इत्यादि तरीके से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जो वाहन पॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे ट्रक इत्यादि, शहर में बहुत गंदगी लेकर आते हैं, इसके बारे में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया जाए। शहर के चौराहों पर दिव्यांगजनों के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट वीडियो एनालिटिक्स तकनीक का सहारा लेकर प्लान बनाया जाए। अपने प्लान में स्काई बॉक्स को इंक्लूड करें। भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य जगहों पर स्काई वॉक का निर्माण कराने हेतु प्लान बनाया जाए। शहरवासियों की स्वच्छता संबंधी आदतों में सुधार लाने हेतु भी प्रॉपर तरीके से प्रचार प्रसार एवं कार्य करने की जरूरत है। ब्रॉस फाइनेंस पर भी कार्य किया जाए। ई बाइक एवं ई रिक्शा वगैरह को स्कूल के पास रखा जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, सचिव विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।